नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेट स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आप लोगों का इतने दिनों से इंतज़ार जो हो रहा था, 69,000 शिक्षक भर्ती में 37,399 पदों के लिए वह आर्डर आज आने की संभावना पूरी बन रही है। देखिए, आपको पता है कि कुछ सीटों पर इस पर नियुक्ति हो चुकी है और आप सभी लोगों में जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पर नियुक्ति हो चुकी है उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जिनको नहीं हुई नियुक्ति दोस्तों, वह इंतज़ार में अपना समय जाया ना करें, क्योंकि आज आपका यहाँ पर फैसला होने वाला है आर या पार दोस्तों। तो 26 अक्टूबर को अपने यहाँ पर देख सकते हैं कि सीटों पर कौन कौन से लोग चयनित होंगे, क्या आपका इस पर नाम है। तो दोस्तों, आज आपको शाम तक यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल सकता है, इस कोर्ट आर्डर का रिजल्ट दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरी न्यूज़ की। तो दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में आपका जो फॉर्म संशोधन था, जिन अभ्यर्थियों का नंबर यहाँ पर कटाक से ऊपर था, लेकिन उनका किन्हीं कारणों से जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे या फॉर्म फिलअप कर रहे थे उस समय किन्हीं कोई त्रुटि हो गई आपसे, या जो आप साइबर कैफ़े गए थे उसमें कोई भी त्रुटि उसने फॉर्म फिलअप करते वक्त कर दिया था, तो उसके कारण आपको जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उस पर यहाँ पर सरकार जो है कुछ सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर जस्टिस यशवंत वर्मा के द्वारा जो है यहाँ पर पुनरालोकन किया जाएगा इस याचिका को, कहा जा रहा है कि इस पर फिर पुनः विचार करें सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इससे बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर दिक्कत का सामना देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आज आपका यहाँ पर पूरी संभावना है आर्डर आने की। तो दोस्तों, जैसे ही आर्डर आता है आपको सबसे पहले प्रोवाइड किया जाएगा, और चैनल पर बने रहिए, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लिए, सबसे पहले न्यूज़ आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।